हर्षिल? यस सर, यस सर, हो गया। हर्षिल तू क्लास, हर्षिल तू क्लास कितनी मिस कर रहा है? हाँ मैं सर, हर्षिल, वो फ्राइडे को अभी ये आपने ऑफलाइन कर दी थी ना सर, मैं आ नहीं मैं जो पाया बच्चे क्योंकि दूसरे, बस नहीं तो तूने कल भी तो नाइट में क्लास मिस की है। कल नाइट में भी जेडनेस दिया मैंने, और मैंने पूछा इसके अंदर वेदांत, यस सर। वेदांत आज वाली क्लास ना इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तूने लास्ट ईयर मेरे पास ना वो नहीं किया था, SIR, ध्यान है तुमको? SIR डिटेल में किया नहीं था तूने, यस इसीलिए मेरे को ध्यान था। मैंने इसलिए तो ना परसों तो भी फोन किया था, इसीलिए कि वाली क्लास में मत करियो। सही है वेदांत? यस सर। अच्छा, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, जैसे ZNS दिया मैंने, अब मैंने तुमसे पूछा ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, या ये मॉलिक्यूल है, या ये लैटिस है, ये पूछा मैंने तुमसे ZNS के बारे में। इसको सोच के तुम्हें बताना है कि ZNS क्या है। अब देखो, अब ओजोन ले लिया मैंने, ओजोन के बारे में पूछा। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसके मैं SIR जो मैंने कल कराया थोड़ा बहुत उसकी एप्लीकेशन लूंगा। मैं SIR को हल्का सा जल्दी से रिपीट करूंगा। पहले तुम ये आंसर देंगे, 12th वाला कोई भी बच्चा जिसने आज का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, ZNS क्या है और O3 क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, लैटिस। हैंड सेस करते जाएंगे जिससे आंसर निकाल लिया। आन्या, गर्व, अर्जुन, हिमांग, शरद, ध्रुव, दीपिका, गर्व, आर्यन, संयम, निकिता, ध्रुव। अच्छा, अब आन्या ने लेक्चर अटेंड नहीं किया था। सौम्या, जिया, अन्य तुम बोलो आंसर जरा। सर ZNS लैटिस होगा और O3 मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, ZNS लैटिस होगा, O3 मॉलिक्यूल होगा। अब नेक्स्ट और कौन बताएगा? देख ZNS कंपाउंड और लैटिस दोनों। ले, कौन बोल रहा है जिसने अटेंड नहीं किया? मैंने बोला था। लक्षिता हाँ लक्षिता बोलो। सर ZNS दोनों कंपाउंड और लैटिस। ZNS तुम्हें कह रहे हो कंपाउंड और लैटिस, और O3 मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल, ये आंसर है ना। अब देखो इसमें अब गलती क्या है, और कौन बताएगा आंसर? O3 O3 एलिमेंट भी है, एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है। एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड नहीं है ये और लैटिस नहीं। अब यहाँ पे एक एक वर्ड में डेफिनेशन है, 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं ये, और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपर के अंदर। एलिमेंट क्या था? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझे कि नहीं है? फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आई कंपाउंड। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे जिसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें सेम एटम्स, इसमें डिफरेंट एटम्स, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कैन नॉट। एलिमेंट कंपाउंड हो गया, फिर मॉलिक्यूल जिसमें चाहे सेम टाइप के एटम्स हो या डिफरेंट, जैसे HCl है या Cl2 है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, लैटिस की फॉर्म में नहीं होंगे। और लैटिस तुम्हें पता है रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर। एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से बनेगा, लैटिस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनेगा, लैटिस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? ये गर्व, यस सर, गर्व दूसरा वाला, गर्व, यस सर, यस सर, गर्व तूने दो डिवाइस ऑन किया क्या? नो सर, सर किसी और ने मेरे नाम से ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट गर्व, यस सर, दूसरा गर्व है ना,
गर्व तभी मैं दोबारा उसको एंट्री बोल देना लेने की चलो अब नोट करना आगे अब जो बता रहा हूँ तुम्हें अब एसआईआर जो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया वेदांत यस सर वेदांत ध्यान दियो बिल्कुल मैंने जो कल पढ़ाया मैं उसको जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ उसको एक बार जो जिन बच्चों ने कल पढ़ा था एसआईआर वो भी देख लेंगे एक बार एसआईआर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कल एक एग्जांपल लेकर के ये NME2 है ये कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे भी एमई लगा हुआ है यहाँ पे भी एमई लगा हुआ है दोनों जगह एमई लगा हुआ है इसमें क्या होगा इसमें क्या है इस एन के जो लोन पेयर हैं इस वाले एन के जो लोन पेयर हैं पहले तो ये कन्वर्ट होंगे पी ऑर्बिटल में ये कन्वर्ट होगा पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा अब यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होगा यहाँ जो पी ऑर्बिटल होगा ये वाला ये पैरेलल होता है और इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा ये पैरेलल है इसके अंदर रेजोनेंस कर लेगा अगर ये एमई नहीं सर गर्व कॉल कर रहा है हाउस वाला एंट्री कर देगा सर वो कह रहा है कि वो अब नहीं कर पाएगा एंट्री अच्छा क्योंकि तो एक बार निकालने के बाद वो नहीं हो पाता और उसके पास मोबाइल नहीं है और अच्छा यस सर चलो उसको अंदर रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं देखते हैं देखो सर समझ गया कि नहीं है बात समझ आएगी कि नहीं है तो इसलिए अब इस ये वाला ये ग्रुप ये वाला एमई जो है ये एमई और ये एमई सेम प्लेन में अगर है तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी अगर रेजोनेंस करता वो ग्रुप एन सेम प्लेन में होंगे तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी और ये वाला एमई मैंने तो बोला अब ये वाला एमई क्या होगा ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा जिसको हम शो करेंगे वेज से जिसको हम शो करेंगे किससे वेज से ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा क्योंकि सेम प्लेन में रहेगा तो रिपल्शन होगी ये एमई ऐसे हो जाएगा और दूसरा एमई जो है वो आ जाएगा इस तरीके से और जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसे हो जाएगा जो पी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से हो जाएगा पैरेलल नहीं रहेगा वो ऐसे हो गया ये वाला पी ऑर्बिटल ऐसी तो इसलिए अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगी बात समझ आ गई कि नहीं ये समझ आ गया कि नहीं सर कल का लेक्चर को रिकॉर्ड मेरे पास सेंड कर देना मैं वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं है कोई कल वाली मिलेगी तो मैं कर दूंगा बात समझ आएगी कि नहीं है वेदांत क्लियर हुआ है यस सर क्लियर हां वेदांत कल मैंने ना इसको डिटेल में लिया था अभी मैंने सिंपल बता दिया बिल्कुल ये वाला एमई हो जाएगा ऊपर की तरफ ये एमई हो जाएगा नीचे की तरफ इस वजह से जो उसका पी ऑर्बिटल था वो पैरेलल नहीं रहेगा और रेजोनेंस नहीं हो पाएगी पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेगा और रेजोनेंस नहीं हो पाएगी समझ गया कि नहीं है तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर नेक्स्ट अब जो है नेक्स्ट अब इसी की मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं तुम्हें कि किस केस में SIR लगेगा किस केस में और अब तुम अगर चेक करोगे ना तो इसके अंदर CN बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड वाली हो जैसे मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने ये दे दिया तुम्हें और NME2 दे दिया और बोला तुमसे किसके अंदर CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वन में कि फर्स्ट में सेकंड में CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जिसमें फर्स्ट में कि सेकंड में फर्स्ट की ज्यादा होगी देन बॉन्ड लेंथ ऑफ सेकंड बस यही चीज तुम्हें स्टडी करनी है अब मैं जो तुम्हें दूंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज तो तुम्हें मिल जाएगी कि इस पे हमने SIR अप्लाई कर दिया अब ध्यान तुम्हें देना है इस पे पहला केस जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होंगे उन्हीं में SIR अप्लाई होता है पहला पॉइंट नोट करना है तो सब्स्टिट्यूटेड होंगे देन ओनली SIR इज एप्लीकेबल देन ओनली SIR इज एप्लीकेबल इज वैलिड
अब तुम्हें बताना है, जैसे मैं केस दे रहा हूँ फर्स्ट, तुम्हें बताना है एस आई आर एप्लीकेबल किस पे है। मैंने यहाँ लिया एफ सी एल बी आर आई, ये चार ले लिए एम ई के साथ, ये चार ले लिए एम ई के साथ। तुम्हें बताना है एस आई आर लगेगा कि नहीं लगेगा, एस आई आर इसमें लगेगा कि नहीं, पहला केस। दूसरा दूसरा केस यहां ले लिया मैंने ओ एच ओ एम ई एन एच टू एन एच एम ई, इन चारों में से किस पे लगेगा एस आई आर, एम ई लगे हुए, एम ई लगे हुए। तीसरा केस सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एम ई एम ई, इसमें किस पे लगेगा। चौथा केस सी ट्रिपल बॉन्ड एन एम ई एम ई, इसमें किसमें लगेगा एस आई आर। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस ले लिया मैंने से, नेक्स्ट केस लेते हैं इसमें, चलो इसमें लिया मैंने सी ओ ओ एच एम ई एम ई, सी ओ एच है यहाँ पे, सी ओ ओ एम ई है, एन ओ टू है, सी ओ सी एल है, इसमें से किसमें लगेगा ई पार्ट। एस ओ थ्री एस ले लिया एम ई, इसमें से किसमें लगेगा, या फिर ले लिया इधर सी प्लस एम ई एम ई, या फिर इस जगह सी रेडिकल एम ई टू है या प्लस की जगह, या फिर सी माइनस एम ई टू है, सी माइनस एम ई टू है। ये सारे केसेस मैंने तुम्हें ले लिया है, मैंने 15-20 केस लिया है इधर, पूरी डिटेल में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे एस आई आर किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। अब तुम्हें ये बताना है, एक बार हैंड से करेंगे क्वेश्चन, सबको क्लियर है ना सर? घर वेटिंग रूम में मैंने मैंने कर दी एंट्री दे दी। इसमें तुम बताना किसमें ऐसा या लगेगा किसमें नहीं लगेगा। विधान यस सर। विधान तूने इस टाइप का कुछ किया हुआ कि नहीं? सर एक बार एस आई आर फिर से दोबारा से समझा दो। सर वो तो कल बताया था ना मैंने। सर वो तो बस कल आपने एक एग्जांपल बताया था ना, वो भी कुछ और बताया। वही बताया, उसी को सर मैंने उसी को रिपीट किया है। सर मैंने उसी को रिपीट किया अभी, सही सर? यस सर। चलो अब तुम्हें इसमें बताना है, मैंने क्वेश्चन दिया है गर्व, ये मैंने तुम्हें बताना है, ये ए पार्ट, ए पार्ट में मैंने एग्जांपल लिए चार, एफ सी एल बी आर आई लगाया, एफ पी उसका सी एल पी बी आर बी आई बी, बी पार्ट में ओ एच भी होता है, ओ एम ई भी होता है, एन एच टू भी होता है, एन एच एम ई भी होता है, सी पार्ट में सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लगाया ऊपर, सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगाया, डी पार्ट में सी ओ एच या इसके डेरिवेटिव्स हैं जैसे सी ओ एम ई सी ओ सी एल एन ओ टू, इसमें बताना तुम्हें, और ई पार्ट में एस ओ थ्री एच है एक बार सी प्लस एम ई होल ट्वाइस है, एक बार सी रेडिकल एम ई होल ट्वाइस है, एक बार सी माइनस एम ई होल ट्वाइस है। तुम्हें बताना है किस केस में एस आई आर लगेगा किस केस में नहीं लगेगा। किस किस आंसर निकाल लिया, ये किसने निकाला आंसर अभी? एक बार ढंग से ट्राई कर लो 3 या 4 मिनट लगा के, फिर मैं इकट्ठे बताऊंगा सारा ही।
शरद शरद सर बस 2 मिनट हर्षिल यस सर तेरे को समझ आया था मैंने स्टार्टिंग में बताया यस सर चलो अब तुम्हें से कौन आंसर देगा इसका आंसर कौन देगा इसका सर मैं बोलूंगा घर ट्राई कर लिया सारे यस सर और किस किसने कर लिया अर्जुन ने भी ट्राई कर लिया है अर्जुन यस सर ट्राई कर लिया सारे यस सर चलो अब देखते हैं फिर क्या सही होता है घर बोल फर्स्ट केस सर फर्स्ट केस में मतलब अगर एफ है तो नहीं होगा सर एफ आई एस आई आर और सर बाकी सब में होगा सी एल बी आर आई में होगा और किसी को आंसर चेंज करना है ये एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा और किसी को आंसर चेंज करना है कोई भी तुम में से तो किसी में भी नहीं होगा इनमें से किसने बोला है छवि हाँ बिल्कुल सही है छवि इनमें से चारों में से किसी में भी नहीं होगा और किसी का सही हुआ ये इनमें से किसी केस में नहीं होगा अगर मोनोटॉमिक एटम है तुम बस एक चीज दिमाग में रखो ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ना ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है जैसे मान लो ये हटा रहा हूं सारा उसके ना दो इस तरीके से सेम प्लेन में ऐसे हाथ निकले होंगे ये दो हाथ निकले होंगे अगर सेम प्लेन में तो ही ऐसा यार लगेगा नहीं समझाई बात ये चीज जो सोच लेगा ना उसका कोई कुछ गलत नहीं एक बार हैंड से करना जिसको ये बात समझ आ गई तभी तो रिपल्शन होंगी जैसे अगर चार ग्रुप सेम प्लेन में आ गए ये दोनों ऐसे ये एक ही एमई होता ना तब भी ऐसा यार लगेगा धनता चीज का अगर एक एमई भी होता तो भी एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बात समझ आ गई फिर आगे वाले क्वेश्चन सही होंगे सारे अर्जुन हिमांग गर्व आन्या शरद बॉबी नंदिनी निकिता देव कृष मयंक हर्षित नव्या कृष्णा जिया गर्व प्रिया ध्वनि सौम्या दीपिका लक्षिता छवि वेदांत ऋतिक आर्यन नीलांश ध्रुव नित्या हरिंदर हर्षिल दृष्टि वैभव रिदम अभी 5-6 बच्चे रह गए आरुषि नयंत निमिषा संयम को समझ आ गया आरुषि नयंत निमिषा पूर्वांश तरुण तरुण को समझ आ गया नयंत को समझ आ गया पूर्वांश को भी समझ आ गया निमिषा और तिशा तिशा इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हो 20 मिनट लेट थे तुम निमिषा और तिशा निमिषा लेट की वजह से थोड़ा समझ नहीं आया तो निमिषा मैंने कल वाला ही पढ़ाया तो कुछ नहीं किया बस क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से किसमें ऐसा यार लगेगा किसमें नहीं लगेगा मैंने तुम्हें बस एक चीज लाइन बोल दी है ऐसा कोई भी ग्रुप ऊपर जो लगा है जो मैंने रेड से शो किया है ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके एटम के साथ ऐसे दो हाथ लगे हुए हैं एक ए बी वाला इधर और एक ए बी वाला इधर और दोनों होने चाहिए सेम प्लेन में तभी तो इन बी और एमई में रिपल्शन होगी बी और एमई में तभी रिपल्शन होगी समझिए कि नहीं तो पहला अगर मोनो एटॉमिक एटम है कभी भी एसआईआर नहीं लगेगा मोनो एटॉमिक एटम है कभी भी एसआईआर नहीं लगेगा अब नेक्स्ट केस जो है नेक्स्ट केस में सर और ये भी देखना पड़ेगा ऑर्थो वाला पार्ट हाँ ऑर्थो वाला पार्ट तो देखना ही ऊपर पहली लाइन ही लिखी है ऑर्थो सफिशिएंट होना चाहिए और ये बी और डी जो है सफिशिएंट बल्कि ग्रुप होने चाहिए हाँ अब नेक्स्ट वाला बताएंगे जरा बी वाले में ओएच ओएमई एनएच टू एनएचएमई ओएच ओएमई एनएच टू एनएचएमई सर बताओ मैं NH2 और NHME हाँ अर्जुन बोल सर NH2
एनएचटू में लगेगा यस सर फिर एसआईआर अब देखो इधर फिर एनएचएम में भी होगा अब मेरी बात सुन लो इनमें से किसी में नहीं लगेगा फिर ये लाइटर ग्रुप है ये बहुत बल्कि ग्रुप नहीं है लाइटर ग्रुप है इसमें ऐसे है ये NH2 अगर है तो ये ऐसे है H क्या रिप्रेजेंट करेगा H तो पहले भी लगा हुआ था इधर अगर मैं बेंजीन ही ले लूं यहाँ पे H H तो क्या SIR लगा रहा था मैं ये कभी SIR नहीं लगेगा अगर ऊपर H H है तो बल्कि ग्रुप नहीं है बिल्कुल भी ये समझ गए कि नहीं ये NH2 आ जाए NHME भी आ जाए ना NHME तो भी SIR नहीं लग पाता तब भी नहीं लगेगा SIR वो ये ME कभी इधर आ जाएगा और कभी इधर आ जाएगा डिपल ओके लेकिन रहेगा इसी में प्लेन में रह सकता है वो प्लेन में वो रह सकता है रेजोनेंस करेगा ध्यान रखना चीज का तो ये लाइटर ग्रुप्स अगर लगे हैं लाइटर ग्रुप में यही काउंट होगा OH OME NH2 और NHME तो भी SIR नहीं लगेगा ध्यान रखना चीज का ऊपर क्या आना चाहिए NME2 अगर ये आया तो ही SIR लगता है कि दोनों ME सेम प्लेन में नहीं रहेंगे जबकि रहने चाहिए ये दोनों ME रिपेल कर देंगे उनको इसलिए नहीं रहेंगे इसी का एग्जांपल मैंने लिया था अब नेक्स्ट वाला केस अभी तक जो मैंने केस बताए हैं मोनोटोमिक एटम हो या लाइट एक वर्ड में अगर याद रखें मोनोएटॉमिक एटम हो या लाइटर ग्रुप हो मोनोटोमिक एटम यानी FClBRI या लाइटर ग्रुप जैसे OH OME NH2 NHME उस केस में SIR नहीं लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अलावा कोई एग्जांपल भी नहीं आएगी पेपर के जो मैं बता रहा हूं तो इसे ध्यान रखना अब नेक्स्ट वाला केस बताओ किसमें SIR लगेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N सर किसी में नहीं लगेगा हाँ अब तुम्हें तो कुछ कुछ समझ आ रहा है इस मतलब दोनों में से किसी में नहीं लगेगा क्यों क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अगर है तो ये ऐसे है लीनियर है ना ये लीनियर है तो कहां से प्रश्न लगाएगा और सी ट्रिपल बॉन्ड है एसपी ऑर्बिटाइज्ड है ये भी लीनियर है देखो यस सर ऐसा यार लगेगा नहीं दोनों केस में नहीं लगेगा समझ आ गया कि नहीं ये यस सर यस तो ये हो गया अब डी पार्ट लेंगे डी पार्ट में कौन बताएगा डी पार्ट में SIR किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा डी पार्ट में डी पार्ट में SIR किसमें लगेगा किसमें लगेगा डी पार्ट में सर बस सेकंड वाले में लगेगा बाकी में नहीं लगेगा सेकंड पार्ट में लगेगा बाकी में नहीं लगेगा ये बोला और कोई सर NO2 में लगेगा और लास्ट में सेकंड में लास्ट सर NO2 और COCl अब ध्यान देंगे इस केस में किसी और का आंसर बोलना है सर सेकंड में और लास्ट में सर NO2 और COCl सर बस NO2 में आर्यन का सही है आर्यन का सही है चारों में लगेगा अब इसमें चारों में लगेगा देखो एमी येरा मान लो NO2 आता है N डबल बॉन्ड O ये O अभी ये प्लेनर है लेकिन इस O के पास भी लोन पेयर है इस O के पास भी तीन लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल होंगे कि नहीं इससे इस ME से ये ME और ये O सेम प्लेन में रहना चाहते हैं लेकिन सेम प्लेन में रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी NO2 प्लेनर ग्रुप है ना इसके दो हाथ निकले हुए आसानी से और प्लेनर ग्रुप है और O के पास लोन पेयर है इस वजह से ये रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी कि ये वाला ME जो पहला O है ये ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से ये ऊपर उठ रहा है देखो ये उठ गया ऊपर मैंने वो दिखा दिया ना वेज दिखा दिया वेज दिखाने का मतलब है कि ये ऊपर उठ गया ये ऊपर उठ गया और ये वाला ME डॉटेड में दिखा देना ये नीचे उठ गया ऐसे ये नीचे चला गया ये ME तो ये O तुम्हारी तरफ आ जाएगा ये वाला O इस स्क्रीन के पीछे चला जाएगा ऊपर नीचे हो जाएंगे अब रिपल्शन नहीं होगी लेकिन अगर ऐसा होगा तो जो इसका पाई बॉन्ड था जो भी इसका पी ऑर्बिटल था अब वो इसके प्लेन के साथ पैरेलल नहीं होगा और इसीलिए रेजोनेंस नहीं हो पाएगी मतलब तुम सोचो ऐसे कि NO2 की अभी भी माइनस आर इफेक्ट लगेगा NO2 का अभी भी यहां से माइनस आर इफेक्ट रेजोनेंस हो जाएगी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा समझ गए कि नहीं क्योंकि इसमें SIR लग गया जिसकी वजह से O जो है ऊपर चला गया ये वाला O नीचे आ गया और ये वाला पी जो पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं रहेगा इस पी ऑर्बिटल के साथ नो रेजोनेंस विल टेक प्लेस क्लियर हुआ कि नहीं ये सर एक बार ये बता सर वो ऊपर क्यों है वो नीचे क्यों गया सर वो कनेक्शन में दिक्कत हो रही थी रिपल्शन की वजह से ME रिपेल करेगा वो नेक्स्ट देखेंगे अब तो ये ध्यान रखना इन चारों केस में याद रखने ना मैं चारों इकट्ठे लिख रहा हूं इन चारों केस में SIR लगेगा ME के साथ SIR लगेगा चारों केस में अब आ गया ई पार्ट
ई पार्ट में जाएंगे अब ई पार्ट में बताओ थर्ड और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट में और सेकंड और फोर्थ सर सिर्फ फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट में ऐसा ही लगेगा यस सर जो आपने सेकंड वाली रिंग बनाई है इसके और तो पोजीशन पर भी मिथाइल है ना हाँ इसके भी मिथाइल है यहाँ पे मिथाइल है हाँ गर्भ है तो सर फिर तो शायद सब में ही होगा ऐसे ही सब में होगा अब देखेंगे ऐसे ही सब में होगा ना अब ध्यान देंगे बहुत ध्यान सुनेंगे इसमें सब में होगा कैसे जबकि ऑर्थो लगेंगे का सब ऑर्थो लगा हुआ ना सब में ऑर्थो लगा हुआ है एमएमई लगे हुए इसमें ऐसा या किसी को चेंज करना है सर छवि नित्या किसी को चेंज करना है आंसर फोर्थ ओनली छवि सिर्फ फोर्थ में लगेगा ऐसा यार सेकंड और फोर्थ और किसी को बोलना आंसर सब में लगना चाहिए अब ध्यान देंगे सर वेदांत आंसर ट्राई करना है बोलूंगा सर SO3 H को छोड़ के बाकी सब में बहुत अच्छे गर्भ तूने कहीं पढ़ा तो नहीं नहीं, नहीं सर लेक्चर से नहीं हाँ गर्भ रीजन दे एक बार तूने बहुत अच्छा आंसर दिया सिर्फ SO3 H में नहीं लगेगा बाकी तीनों में लगेगा रीजन दे सर SO3 H का वो स्ट्रक्चर उसको वो सपोर्ट नहीं करता SO3 H का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा प्लेनर गर्भ तेरा आंसर बिल्कुल सही है तूने बहुत अच्छा सोचा है अब एक बार आंसर तू सोची मैं तेरे को आंसर दूंगा ना तू एक बार टैली करियो तूने यही सोचा कि नहीं तूने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है देखो SO3 H के केस में ना SO3 H अगर है हाँ मैं तेरा सही है SO3 H के केस में S के साथ एक तो OH है इस तरीके से और एक ओ ऐसे है एक ओ ऐसे है टेट्राहेड्रल शेप है ना इसकी एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH ये ऐसे है इस तरीके से ये तुम सोच पा रहे हो ना ये मतलब है कि ये ऑलरेडी ऊपर है तुम्हारी तरफ आता हुआ है ओ ये वाला और डैश का मतलब है ये ऑलरेडी पीछे है टेट्राहेड्रल शेप है ना इसकी तो इसके तो ग्रुप ही ऊपर नीचे है और इस OH को रिपल्शन मिलनी नहीं है तो इसमें SIR कैसे लग जाएगा सबसे बड़ा ग्रुप यही दिख रहा है लेकिन तब भी इसके अंदर SIR नहीं है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल में एक ग्रुप तो ऊपर होता ही है और एक ग्रुप नीचे होता ही है इस वजह से टेट्राहेड्रल की शेप तुम सबको पता होगा इसमें प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो ऐसे बनती है शेप जैसे CH4 का सबसे सिंपल कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल शेप का है मैं बता रहा हूँ कौन सा देखो इधर सी ऐसे ये H इधर ये एक H इधर ये एक H इधर ऐसे अब उसका एक H इसका इधर और एक H इधर तुम खुद देख लो अब इधर इसमें तुम खुद देख लो इसमें एक प्लेन में सिर्फ तीन ही एटम आएंगे फिर दो अलग अलग हो जाएंगे ये एक ऊपर है एक नीचे एक ऊपर और एक नीचे आएगा अगर जैसे मैं इसको एक प्लेन में ले लूंगा इन तीनों एटम को तो ये एक ऊपर और एक ये नीचे ऐसे आएगा इस वजह से इसमें SIR नहीं लग पाता क्योंकि इसमें ग्रुप ऑलरेडी रिपल्शन के बिना ही ये एक ओ ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ आता हुआ है ये एक ओ पीछे की तरफ जाता हुआ है टेट्राहेड्रल शेप है टेट्राहेड्रल ग्रुप होगा अगर तो इसमें SIR के लगने के चांसेस नहीं हो जाएंगे देखो अब नेक्स्ट और बाकी ग्रुप क्या है जैसे सी प्लस एमई इसमें तो एमई दिख ही रहा है ये दोनों एमई क्या है सेम प्लेन में रिपल्शन होके ये ऊपर चला जाएगा ऐसे और ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो इसलिए ऐसा यार लग गया सी रेडिकल होता तब भी कार्बन sp2 होता सी माइनस होता सी माइनस में तुम सोचोगे तो ये तो sp3 है लेकिन ये भी रेजोनेंस की वजह से sp2 में होना चाहेगा तो इसमें भी sp2 ही है और इस वजह से इसमें भी रिपल्शन होके ये ऊपर नीचे हो जाएगा रिपल्शन होके ये ऊपर नीचे हो जाएगा इन तीनों केस में SIR लग जाएगा इसमें नहीं लगेगा एक बार हैंड सेस करेंगे जल्दी से जिसको SIR बिल्कुल ढंग से समझ आ गया कहाँ पे अप्लाई करना जल्दी से हैंड सेस कर देंगे और एक बार इसकी एप्लीकेशन मैं और दूंगा रीजॉइन करना है 10-15 मिनट के लिए गर्व नंदिनी अर्जुन बॉबी शरद निकिता छवि मयंक प्रिया अन्या कृष लक्षिता हिमांग ऋतिक ध्रुव नव्या गर्व नित्या हर्षिल लिपिका पूर्वांश रिदम ध्वनि हर्षित कृष्णा वेदांत सबको समझ आ गया ऑलमोस्ट तीन बच्चों को छोड़ दीजिए आरुषि जिया और वैभव नहीं सर आ गया सर मुझे आ गया समझ वो हैंड रेज नहीं हो रहा